इस वक्त मैं दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लूव्र म्यूजियम के सामने खड़ा हूं पेरिस में। जो पिरामिड है ये बहुत मशहूर है, बहुत सारी तस्वीरों में आपने देखा होगा। मोनालिसा इसी लूव्र म्यूजियम में है। लोग कहते हैं इसको देखने में करीब एक हफ्ते से ज्यादा का समय चाहिए। इस वीडियो में हम आपको लूव्र म्यूजियम दिखाएंगे और मोनालिसा के 5 रहस्य बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पिछले एपिसोड का रीकैप। हम लोग आए हैं पेरिस के डिज्नीलैंड। ये वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज है और डिज्नीलैंड पार्क है, यहाँ पे दो हैं। जुड़ोगी? जब जान का खतरा ना हो और वो रोमांच ना आए तो फिर किसी राइड में मजा नहीं आता। ना खतरनाक, और मैं पहली सीट पर था, मेरी वाइफ ने तो बैठने से ही मना कर दिया। ये ट्रेन राइड भी अच्छी है लेकिन रोलर कोस्टर के मुकाबले कहीं नहीं है। पेरिस के मेजो अल्फोर इलाके से लूव्र म्यूजियम जाने के लिए मैं और अभिलाषा बस पकड़ने के लिए निकले। क्या हम लोग इसी 24 नंबर बस में हैं? डायरेक्ट बस है लूव्र, लूव्र के वहाँ पे, मतलब लूव्र आधे किलोमीटर चलना पड़ेगा, बट इट्स फाइन, डायरेक्ट बस है। मेट्रो में हमें मेट्रो चेंज करनी पड़ती नासियो स्टेशन पे, फिर भी आई लास्ट हिम। लूव्र जाने के लिए बस के टिकट की कॉस्ट थी 2 यूरो पर पर्सन, यानी 2 लोगों के 4 यूरो। अभी हम बस में जा रहे हैं, हम लूव्र म्यूजियम देखने जा रहे हैं पेरिस में, और आज हमने सोचा बस का राइड लें क्योंकि शहर को देखने का सबसे अच्छा तरीका बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और आज हमने सोचा कि इसका इस्तेमाल करें तो पूरा शहर भी दिखता है अच्छे से और समझ में भी आता है शहर कैसा है। बस तो फिलहाल पूरी खाली है क्योंकि हमने पहले स्टॉप से पकड़ी है। पेरिस का बस सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, और खास बात यह है कि 2 यूरो के टिकट में आप 1.5 घंटे तक ट्रेवल कर सकते हैं, यानी आप एक बस से दूसरी बस भी बदल सकते हैं और आपको कोई अलग से पे नहीं करना होगा। तो पेरिस देखने का सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका तो यही है। पेरिस में डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है ये देखिए। बस में उनके आने जाने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इस वक्त मैं पेरिस के पौ ड्यू कारुसेल इलाके में हूँ और यहाँ से लूव्र म्यूजियम बहुत बगल में है। तो लूव्र म्यूजियम दुनिया के बहुत बड़े म्यूजियम्स में से एक है और जिसको देखना होता है उसको लगभग इसी जगह आना होता है, इस बस स्टॉप पे। कुछ देर पहले हम वहाँ भी इसी सड़क पे आ गए थे, वहाँ पर किताबें बिक रही थी सड़क पे, छोटी छोटी लोग दुकानें लगाते हैं, तो दुनिया में हर जगह इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाता है। चमक है, शानो शौकत है पेरिस में, हर तरफ एक एंशंटनेस जिसे कहते हैं शहर में है, हर तरफ बहुत पुरानी पुरानी 500, 700, 800 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। यही शायद पेरिस की सबसे ख़ास बात है। अगर मैं देख कैमरा घुमाने के लिए अगर कहूँ थोड़ा, तो थोड़ा नज़र घुमाइए, दौड़ाइए हर तरफ, तो
चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, साफ सफाई है, एक ऑर्डरली तरीके से पूरा शहर चल रहा है, लेकिन साथ ही सब लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं, एक एक सुकून भी है, शांति भी है। और ये पूरा मेरे राइट में अगर मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ, ये सेन रिवर है, सेन नदी है। तो अगर आप सेन रिवर की क्रूज़ पर अगर कभी आएंगे तो आपको दिखेगा शहर के दोनों तरफ जो है इमारतें ही इमारतें हैं, बहुत पुरानी पुरानी, 800 900 साल पुरानी। अब वक्त था लूव्र म्यूजियम के अंदर जाने का। लूव्र म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मंगलवार को लूव्र बंद होता है, इसलिए प्लानिंग बड़े ध्यान से करिएगा। इस वक्त मैं दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लूव्र म्यूजियम के सामने खड़ा हूँ पेरिस में। ये जो पिरामिड है ये बहुत मशहूर है, बहुत सारी तस्वीरों में आपने देखा होगा। ये जो पिरामिड है ये हमेशा से लूव्र म्यूजियम का हिस्सा नहीं था। 1983 में फ्रांस के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रांसवा मित्तरान ने सोचा कि इसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए। उन्होंने ये ग्लास पिरामिड बनाने का काम चाइनीज अमेरिकन आर्किटेक्ट लियो मिंग पे को सौंपा और लियो मिंग पे ने इसको एक शानदार लुक दिया। 1989 में ये जनता के लिए खोला गया और तब से लोग इसकी सुंदरता को निहारते नहीं थकते हैं। इसको दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम कहते हैं। इस कितना बड़ा है मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ, 6.5 लाख स्क्वायर फीट में ये म्यूजियम है। करीब 38,000 अंदर में कलाकृतियां हैं इसके अंदर। लोग कहते हैं इसको देखने में करीब एक हफ्ते से ज़्यादा का समय चाहिए, तो अगर एक या दो दिन के लिए हैं तो लूव्र आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी वक्त इतना ही होता है आमतौर पे। लूव्र म्यूजियम के टिकट की कॉस्ट बताते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो 17 यूरो की टिकट है, और अगर आप म्यूजियम पर जाकर लेते हैं तो 15 यूरो की टिकट पड़ेगी। लेकिन हमारी सलाह यही है कि आप ऑनलाइन लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है, 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का वेटिंग टाइम होता है। इसलिए अपना टाइम स्लॉट ज़रूर बुक कराएं। और अगर आप फैमिली वाले लोग हैं तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये एंट्री फ्री है। सबसे मशहूर चीज लोग लूव्र में देखते हैं, यू गेस्ड इट राइट, लियोनार्डो दा विंची ने मशहूर पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा। हाँ, मोनालिसा इसी लूव्र म्यूजियम में है जो यहाँ पे है। और ज़्यादातर लोग, बहुत कुछ है देखने को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो ऑफकोर्स मोनालिसा है। चूंकि आपके पास वक्त कम होगा, इसलिए म्यूजियम में एंटर करते ही आप मोनालिसा की तरफ बढ़ जाइए। मोनालिसा फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसका साइन आपको दिख जाएगा। अब आपको 500 साल पुराने इस मोनालिसा पेंटिंग के 5 रहस्य बताते हैं। पेंटर लियोनार्डो दा विंची की इस मशहूर मोनालिसा पेंटिंग की मुस्कान सबसे बड़ा रहस्य है। रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिसा के ऊपरी 2 दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उनके ऊपरी होंठ अंदर की तरफ दबे हुए हैं। यही कारण है कि हर एंगल से उनकी स्माइल अलग दिखती है। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने कहा कि मोना की स्माइल नहीं बदलती है, यह हमारी दिमाग की सोच है। हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है। लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और कहते हैं कि 1517 में जाकर इसे पूरा किया गया। इस पेंटिंग के होंठ बनाने में ही उन्हें 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थे। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन काफी छोटी है। इसका साइज 30x21 इंच का है और इसका वजन 8 किलो का है। इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बल्कि इसे एक लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। यह पेंटिंग शुरू से इतनी पॉपुलर नहीं थी। एक बार म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह ज्यादा फेमस हुई।
21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चोरी होने के बाद सबसे पहला शक मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफी पूछताछ के बाद ये इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। ये पेंटिंग 2 साल बाद 1913 में इटली में मिली। पता चला कि लूव्र म्यूजियम के ही एक वर्कर ने इसे चुरा लिया था और वो इसे इटली के फ्लोरेंस शहर में बेचना चाहता था। उसका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। उस वर्कर को ये पेंटिंग चुराने के लिए 6 महीने की सजा दी गई, लेकिन इटली के लोगों ने उनकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया था। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ खुद एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, नहीं कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग उन्होंने बनाई है। स्कॉलर्स का मानना है कि ये पेंटिंग लिस घिरार्दिनी की है, जो कि इटली के फ्लोरेंस की रहने वाली एक इटालियन महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। हालांकि आज तक सच क्या है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पेंटिंग की कीमत क्या है ये कोई नहीं जानता। 1962 में इस पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी, यानी कि उस वक्त ये करीब 700 करोड़ की थी, जो अब 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस की सरकार ने इसे लेकर एक कानून बनाया है। उसके तहत इस पेंटिंग को ना कोई खरीद सकता है और ना कोई बेच सकता है। लूव्र म्यूजियम है, ये देखने में म्यूजियम जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये म्यूजियम था भी नहीं। 12वीं शताब्दी में जब ये बना था उस वक्त ये एक किला था। उसके बाद 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास इसको पैलेस बनाया गया, राजा के रहने का महल, और इसको म्यूजियम बनाया गया है 1793 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। तो 1793 के बाद से ये एकदम म्यूजियम की तरह फंक्शन कर रहा है। खास बात यह है कि अब जो है यहाँ पर इंडियन और दुनिया के सभी देशों के लोग खूब आते हैं। बहुत सारे लोग हिंदी और बांग्ला बोलते हुए मुझे यहाँ सुनाई दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में एक भी इंडियन आर्ट नहीं है। इस बात का एहसास लूव्र म्यूजियम के अधिकारियों और फ्रांस की गवर्नमेंट को भी है। हाल ही में उन्होंने काफी कोशिश की थी कि यहाँ पर इंडियन आर्ट लगाया जाए, लेकिन फिलहाल वो हो नहीं पाया है। लेकिन अबू धाबी में भी एक लूव्र म्यूजियम खोला गया है। वहां पर इंडिया के कई आर्ट पीस लगाए गए हैं। कभी फ्रांस आए तो लूव्र जरूर आइए, 2-4-6 घंटे बिताइए, बहुत मजा आएगा। आपको लूव्र म्यूजियम का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब देखिए कि अगले वीडियो में क्या आने वाला है। अभी हम जिस ब्रिज पर हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा फिल्मों में ना वो लॉक लगाते हैं, की वाला जो ब्रिज था, तो ये वही ब्रिज है। तो आप जिससे प्यार करते हैं उसका नाम लिख के और खुद का नाम लिख के दोनों साथ में चाबी लगा दो।